था हिंदी मैं फोन वह तुम्हे, फिल्म कहना दिवसी मेरा दिल ऑलरेडी ठकटक होने लगा नागराज देखेगा मैं स्ट्रेस में आ गया नहीं नहीं सर मतलब मैं हजा कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ आपको आइडिया नहीं है अभी बिगिनिंग से आप बोल रहे बोल रहे अभी मुझे बोलने दीजिए मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और आप इतनी अच्छी फिल्में बनाते हैं और अभी झुंड जो आपने बनाई वो शायद इतनी कामयाब नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी लेकिन उसमें जो हार्ट था ना जो उसमें पैशन और दिल था वो बहुत सही था और कभी कभी होता है बट आई रियली लाइक योर वर्क आप में एक काम में बहुत सच्चाई है आप में बहुत करेज है आप जो चीज़ बनाना चाहते हैं वो आप फिर पूरी तरह से बनाते हैं वो बहुत रेयर क्वालिटीज हैं हाँ वरना प्रेशर में आके यू नो हम कभी कभी मार्केट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं देखिए हम सब कामयाब होते हैं कभी हम कामयाब नहीं होते हैं लेकिन आप अपने दिल को फॉलो करते हैं हाँ, मैं कोशिश करता हूं। और वो बात मुझे बहुत अच्छी लगती है ये मेरे लिए मुझे बहुत कम लोगों में है थैंक यू सर और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तो इसलिए मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ एक सब्जेक्ट मुझे भी सुना दीजिए साइड रोल दे दीजिए अरे सर मैं मतलब आप मैं जो दोस्त है मेरे घर वाले लोग है वो जानते हैं कि मैं कितनी बार सोचता हूँ कितना काम करके फिर बोलता हूँ ठीक है ऐसा करके मैं रखा हूँ लेकिन अभी आपके आप हाँ बात करते जाओगे जो आपने कहा है हाँ इतना सोचेंगे तो आप फिर कुछ नहीं लाएंगे मेरे लिए <laughs> हाँ वो भी और वो मैं ये नहीं चाह रहा हूँ जो आप मेरे लिए ला रहे हैं मेरे को वो नहीं करना है जो आप मेरे लिए ला रहे हैं मुझे वो करना है जो आपको बनाना है जी जी वैसे ही वैसे ही लाऊंगा करेक्ट वैसे ही मुझे करना है तो मुझे सोच के मत मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी और मैं मतलब जिस आपको तो एज अ एक्टर और एज अ इंसान भी बहुत पसंद करता हूँ और ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपसे अभी बात करने के लिए मुझे मिला ये क्या कहते हैं ऑफिशियली या फॉर्मल तरीके से थैंक hmm. यू uh, और ये मुझे याद रहेगा और लाल सिंह चड्डा भी याद रहेगा फिंगर्स क्रॉस्ड थैंक यू सर थैंक यू थैंक यू थैंक यू एबीपी मासा उडा डोले बघा नीट